सारी चॉकलेट्स। सस्ती चॉकलेट ला देते हैं मेरी। देखो देखो ये 2.6 की है, ये देखो ये 0.5 वाली है। हाँ ये खाई। ऐसे ये नहीं है मतलब वो दूसरे। हाँ तो ब्लू ही था उसका रैपर। इस तरह का लेता था बहुत सारा। इस तरह की हम बहुत है। ये चॉकलेट का तो भरमार है। स्विट्जरलैंड आए और चॉकलेट ना ले जाए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। और ये कंटिन्यू ब्लॉग फर्स्ट डे का ही है, इवनिंग का। मैंने कुछ क्लिप्स ली थी, कुछ वीडियोस बनाए थे, तो सोचा मैंने पार्ट टू में इसको ऐड ऑन करके आपको दिखाया जाए। और ये होटल का लॉबी है, यहीं पर ही मतलब सब कुछ आप कॉफ़ी वगैरह देख सकते हैं, बना सकते हैं, और कुछ चीज़ें थी जो परचेस भी कर सकते हैं। तो ये क्लिप लिया था मैंने होटल की लॉबी का, जो बहुत ही डिसेंट और क्यूट सा था। इसके जस्ट अपोजिट साइट में ही ट्राम्स थे हमारे होटल के, तो वहीं से ही आना जाना, हम जब तक यहाँ स्विट्जरलैंड में रुके हमने आना जाना ट्राम के थ्रू ही किया। और मुझे ये एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल मिले थे, तो मैंने इसके साथ अपना एक पिक लिया। और इसको मोस्टली यहाँ पे चार्ज करके लिए लोग जाते हैं। और अब हम निकल गए हैं ट्राम से और हम जा रहे हैं ज्यूरिख एयरपोर्ट, जो यहाँ का हब है, एक ही एयरपोर्ट है। वहाँ पर ही सब कुछ, स्टोर्स वगैरह, ट्राम्स, बस, सारे सब कुछ मिल जाती हैं। अब आप देखिए कि कौन सा स्टोर। ये अच्छी लग रही है ना चॉकलेट्स, ले चलेंगे ये वाली बॉल वाली। कितने की? 8.95 मीन्स 800 समथिंग ना। माय गॉड, ये चॉकलेट क्या? ये देखो कितना अच्छे बाग, क्या है ये? टेडी बियर्स, वाओ। देखो कितने बढ़िया चॉकलेट, से लग रहा क्रैकर्स है। क्रैकर्स इधर आओ, ये देखो क्रिसमस। ये क्रैकर्स लग रहे हैं ना। अब क्रिसमस आने वाला है ना, उसका डेकोरेशन बहुत बड़ा है। ये मेरे मतलब की कॉफी, यस। Thank you.
ताले छोले भी हैं यहाँ पे, चने सही है, बेसन भी है। राइस भी है, मोटा वाला राइस भी है, जैस्मिन राइस। ये अचार है क्या? अब एक बने सही अचार ले आए। हाँ, आपने बताया था पर वो अच्छा होता है। जलेबी ये पूरा पास्ता वास्ता लग रहा है ना, मैगी पास्ता, ये वो वाला स्पैगेटी पास्ता। जो यहाँ का फेमस है वो तो नहीं दिख पा रहा, चीज और ये। यहाँ पे फ्रोजन भी है, आइसक्रीम ना ले लेंगे। रेट दे कुछ ऊपर से मैच हो रहे हो इंडिया से, कुछ आइटम तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। क्या है कि आप चाहे यहाँ पे खाओ, प्राइस कैसे आप सेम है। और स्टोर आपने देखा ही होगा, हम मिग्रोस के पॉपुलर स्टोर में गए थे जो यहाँ का स्विट्ज़रलैंड का मोस्ट फेमस स्टोर्स में से आता है। इवन एक और है यहाँ पर, कूप करके भी है। तो जो भी यहाँ के रेजिडेंट हैं स्विट्ज़रलैंड के, वो लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं। और ये एयरपोर्ट पर था तो काफ़ी बड़ा स्टोर था, मतलब आप चलते चलते थक जाओगे पर स्टोर आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे पूरा। तो यहाँ पे मैंने इंडियंस के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि अगर आप गेस्ट हाउस या पेंट हाउस में आप स्टे कर रहे हो तो आराम से यहाँ से अपना वेजिटेबल्स और अपना राइस और अब बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन साबुत मसाले भी देखे, तो अपना आराम से आप लेकर परचेस करके और अपना खाना बना भी सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक ये भी बहुत खास बात लगी कि ये स्टोर में कोई सिंगल पर्सन भी नहीं था, इवन यहाँ पर आप सिक्योरिटी चेकिंग के लिए भी कोई पर्सन नहीं था। आप अपना सामान परचेस करो, खुद से बिलिंग करो, बैगेज लो और अपना चले जाओ, इतनी ऑनेस्टी मुझे दिखी यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में, यही बहुत खास बात लगी मुझे। और हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें परचेस करी, तो नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर जब मैंने नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैंने क्या क्या लिया है तो वो शॉपिंग का आपको दिखाएंगे। और ये स्क्रीन था, जस्ट मिग्रोस के पास में एक आउटलेट था, वहाँ पर आप खा सकते हैं। बट हम लोग एक्चुअली लेट हो गए थे, हमें 10:30 अराउंड हो गया था और विंटर्स का टाइम था, तो यहाँ पे मोस्टली क्लोज भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, इवन 9:30 हो जाता है। तो यही एक ऑप्शन था, मुझे वेज भी खाना था क्योंकि उस दिन दिवाली था, दिवाली की वजह से भी मतलब थोड़ा लेट हो गया पूजा वगैरह में, और तो यही ऑप्शन बचा। तो यहाँ पे वेज में भी ये मोस्टली प्रॉब्लम ही है कि यहाँ पे खाने का भी आपको वेज बहुत सर्च करना पड़ता है अगर आप वेजिटेरियन हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप अब सब चीज़ें नहीं खा सकते यहाँ पर। तो वेज में ही हम मोस्टली हम लोगों ने सारी चीज़ें वेज ही ली क्योंकि पता नहीं होता ना भैया क्या मिक्स मिल जाए। तो फिर यही एक था, और मैंने भी ये ट्राई किया था स्क्रीन पे। तो यहाँ पर यही है कि आप अपना ऐड टू कार्ट करके अपना सारा सब कुछ जो भी आपको खाना है वो आप अपना ऑर्डर प्लेस करिए, टोकन नंबर आएगा, फिर अपना पिकअप करिए ऑर्डर और अपना प्लेस वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पे अपना आराम से बैठ के खाओ और ले जाने का आप ले जा भी सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इवन हमारा तो सिर्फ मैकडी वगैरह में ही होता है बट यहाँ पर मोस्टली आउटलेट्स में यही है कि आप खुद से ही ऑर्डर करना है, आपको टोकन नंबर आएगा, ऑर्डर प्लेस करके आप अपना पिकअप करिए और अपना ले जाइए खाइए।
हमारा वेज पेपरिका बर्गर इंजॉय किया, फिर यहाँ से हम अपने ट्रैम के लिए निकल गए थे। और जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे ना, ये इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया था, उस टाइम क्रिसमस आने वाला था तो दी सर्कल करके था, और यहाँ पे ये बॉल्स बनाए थे पूरे डेकोरेटिव, और इसका मतलब पूरा जो बनाया था वो एकदम क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा था, तो इतना सुंदर डेकोरेशन था। तो हम लोगों ने यहाँ पे खूब सारे वीडियोस भी बनाए, रील्स भी बनाई इवन मैंने, और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ली, और फिर हम यहाँ पर हमने इंजॉय किया। देन हम निकल गए थे अपने ट्रैम से, और फिर जब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो आप सेकंड डे का मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने सेकंड डे में क्या क्या किया। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा लेट हो जा रहा है, बट ये कि थोड़ा मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा, और न्यू है मेरे लिए तो एडिटिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है, इवन मेरे पास और भी काम है, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फिर मिलेंगे सेकेंड डे के ब्लॉग में स्विट्ज़रलैंड के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।